टेंथ क्लास में हम मैथ्स में समानांतर श्रेणियां ये चैप्टर कर रहे थे। 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारा हो चुका था। अब आगे हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमें ये एपी दी गई है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट 3, -1, -3, --। ये एपी हमें दी गई है, हमें तो इसका बताना है प्रथम पद, पहला पद और सार्वंतर। पहला पद यानी ए। अब पहला पद कौन सा है इसमें? तीन, तो तीन लिख देंगे। फिर हमें बताना है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, इसे हम डी से लिखेंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 - a1 कर सकते हैं, या a3 - a2 कर सकते हैं, या a4 - a3 लिख सकते हैं। तो a2 - a1 ही कर लेते हैं। 1 - 3 कितना आ जाएगा, ये -2, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये तीसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पहला पद कोई दिक्कत ही नहीं, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरा है, चौथे में से तीसरा माइनस करेंगे तो वो सार्वंतर निकल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ए भी हमें दी गई है -5, -1, -3, -7। अब बताओ इसमें पहला पद क्या है, -5। बी यानी कि कॉमन डिफरेंस a2 - a1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5। ऐसे लिखा जाएगा, दो माइनस हो गए, -1, -+, तो ये क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका, एपी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 --। तो इसमें सबसे पहला पद क्या है, 1/3, बी निकाल देते हैं, a2 - a1। अब ये बटे का है तो एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाता है 4/3। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसका, एपी दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। पहला पद क्या है, 0.6, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे a2 - a1, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गई 1, 1.1। ठीक है, समझ आ गया है। तो इन क्वेश्चंस में हमने केवल दूसरे में से पहला पद माइनस किया तो हमारा ये सार्वंतर निकल जाता है, डी निकल जाता है। जब हमें ये बताना हो कि ये सूची एपी है या नहीं तो हम सभी को माइनस करके देखते हैं, सबको माइनस किया जाता है, उसमें अंतर यदि समान आता है तो वो सूची एपी बन जाती है, नहीं तो वो सूची एपी नहीं होती। इसमें ये दिया गया है कि ये एपी है, सिर्फ सार्वंतर निकालो, तो सबको माइनस नहीं करना है इसमें, इसमें केवल किसी दो पदों को माइनस करके हम अंतर को निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसके तीन पद और लिखिए। संख्याओं की सूची हमें दी गई है 2, 4, 8, 16। हमें बताना है कि ये सूची एपी है या नहीं। जब ये बताना हो कि सूची एपी है नहीं तो क्या करेंगे, सभी का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर आएगा एक जैसा तो हम लिखेंगे कि यह सूची एपी है, यदि अंतर एक जैसा नहीं आएगा तो हम लिखेंगे यह सूची एपी नहीं है। सबसे पहले a2 - a1 कर लेते हैं, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। अब अगला माइनस कर लेते हैं a3 - a2, 8 - 4, अंतर समान है नहीं है तो अगला करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, 16 में से 8 का क्या आ जाएगा, 8, वो भी अलग आएगा। किन्हीं दो पदों में अंतर
समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी नहीं है। नहीं है तो हम इतना लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये एपी है ही नहीं, तो आगे हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये एपी है तो फिर हम उसको आगे निकालेंगे, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये दिया गया है। तो पहले हम अंतर निकाल करके देखते हैं। a2 - a1, a2 है 5/2, a1 है 2, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 5, 2 दूनी 4, 1/2, ये आ जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं a3 - a2, 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 से 2 कट जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1, 1/2 आ जाएगा, ये समान आ रहा है। तो अगला भी निकालते हैं a4 - a3, 7/2 - 3, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 7, 2 × 3 = 6, ये भी आ जाता है 1/2। हम क्या देख रहे हैं, हर बार अंतर हमारा एक जैसा आ रहा है। अगर ये एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह सूची एपी है। तो यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि किन्हीं दो पदों में अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी है। पहले लिखा था यह सूची एपी नहीं है फर्स्ट पार्ट में, अब यह सूची एपी है। आगे स्टेटमेंट में कहा गया है यदि ये एपी है तो इसका साध्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका साध्व अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं। ये दो पदों में अंतर है, कितना निकला था 1/2, जो समान आया हमेशा वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, साध्व अंतर, इसको हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें कहा गया है इसके तीन और पद लिखिए। देखो पहला, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद, चार पद हमें दे रखे हैं, इससे अगला कौन सा होगा, पांचवा पद। पांचवे पद को हम क्या लिखेंगे, a5। अब a5 के लिए फार्मूला क्या होगा, a+4d। a का मान क्या है इसमें, 2, 4 × d कितना है 1/2, ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब इससे अगला पद निकालेंगे, छठा पद a6, a+5d, a का मान है 2, 5 × 1/2, 5 × 1 = 5/2। अब इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, 2 × 2 = 4, 2 से 2 कट जाएगा 5, 5 और 4 9/2। आगे निकाल देते हैं सातवां पद, a+6d, a का मान है 2, 6 × d का मान 1/2, 3 × 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमें ये आगे तीन पद और निकालने। तो पहले तो हम ये देखेंगे एपी है नहीं, सबको माइनस करेंगे, यदि अंतर एक जैसा आ जाता है तो ये एपी है। अब एपी है तो इसका साध्व अंतर बताओ, साध्व अंतर यानी कि डी जो हमने निकाला है माइनस करके वो आ जाएगा। इसके बाद पांचवा पद निकालेंगे, छठा निकालेंगे, सातवां निकालेंगे, हमें तीन निकालने हैं, तो 1, 2, 3, 3 पद हो गए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। इस चौथे क्वेश्चन में या तो कोई एपी होगा या एपी नहीं होगा। अगला है तीसरा पार्ट, चौथे का तीसरा पार्ट, संख्याओं की सूची हमें दी गई है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 -#. तो पहले तो देखते हैं सूची एपी है या नहीं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है, माइनस 3.2, माइनस किया जाएगा, क्या माइनस करेंगे, ए वन। अब ए वन की का मान क्या है, माइनस 1.2, तो 2 माइनस हो गए, हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। माइनस 3.2 बाहर ये माइनस है, तो ये माइनस चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक माइनस एक प्लस घट जाएंगे, दो में से दो गई जीरो, तीन में से एक गया दो, यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस 2। अब हम निकाल देते हैं अगला अंतर, ए थ्री माइनस ए टू, ये है माइनस 5.2, माइनस करेंगे माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये घट जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस 2। ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है माइनस 7.2, माइनस करेंगे माइनस 5.2, माइनस 7.2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाता है, ये भी आएगा माइनस 2.0, मीन्स ये आ जाता है माइनस 2। हमेशा क्या आ गया, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, अंतर समान है, क्योंकि किन्हीं दो पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी है। अब है तो सार्व अंतर बताना है, यानी कि डी। डी हमने क्या निकाला, माइनस 2, समझ आ रहा है, माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद अगला पद कौन सा होगा, तीन पद, कौन सा पद होगा अगला, पांचवा पद। चार पद हमें दे रखे हैं, एक दो तीन चार, अब कौन सा निकालना है हमें, पांचवा, छठा और सातवां। तो हम पांचवा पद निकाल रहे हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। a का मान क्या था, सबसे पहला पद माइनस 1.2, 4 इंटू डी का मान कितना है, माइनस 2, प्लस माइनस, माइनस 4 दूनी 8। अब माइनस माइनस के नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन क्या आएगा, माइनस, 8 में ये एक जुड़ेगा, 9.2। कई बच्चे क्या करते हैं इसको, 8 और 2 10, 1 और 1 2, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता ये, पॉइंट नहीं है इसमें, यानी कि ये ऐसे है 8.0, 2 प्लस 0 2, 8 और 1 9, तो ये जो अंक है ये इसमें जुड़ता है, समझ आ गया है। इसके बाद अगला है छठा पद निकाल देंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, 5 इंटू डी का मान क्या है, माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, माइनस 10 माइनस 1.2 प्लस हो जाएंगे, माइनस 11.2 हो जाएगा। A7, A प्लस 6D, A की वैल्यू है माइनस 1.2, 6 इंटू डी का मान है माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 और 1, माइनस 13.2, ठीक है, आ गया समझ में। इसका चौथा पार्ट अपने आप से करोगे, पांचवा पार्ट है संख्याओं की सूची हमें दी गई है, तीन, पहला पद, दूसरा 3 प्लस वर्गमूल 2, तीसरा पद 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, चौथा पद 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, ये दिया गया है, और हमें बताना है कि यह सूची एपी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पहला पद क्या है इसमें, 3, ए टू माइनस ए वन, ए टू है हमारे पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां इसके बाद निकालेंगे। तो अब ए टू माइनस ए वन, ए टू है 3 प्लस वर्गमूल 2, माइनस करेंगे ए वन 3, माइनस हो गया। अब ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल 2, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ये दूसरा पद है, माइनस करेंगे 3 प्लस 2 वर्गमूल 2। जब ऐसे दो नंबर आ जाएं और बाहर माइनस है, तो इस संख्या को ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे,
यहाँ तो हमारे पास केवल ये एक ही नंबर था, तो हमने इसको ब्रैकेट में नहीं लगाया था, इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। 3 + 2√2। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 से +3 कट जाएगा। अब इसके बाद 2√2 ये केवल ना ये था, ये वर्गमूल 2 था, ये वाला, ये था 3 + 2√2 और ये था 3 + √2 केवल, ठीक है। +3 से -3 कट जाएगा, 2√2 - 1√2, इसके आगे कुछ नहीं तो ये एक है, तो इस 2 में से ये 1 माइनस होगा, 2 में से 1 गया 1, 1√2। अब 1 को हम आगे लगाते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब अगला निकालते हैं a4 - a3। a4 है हमारे पास 3 + 3√2, माइनस करेंगे क्योंकि अब दो नंबर हैं इसमें, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे, यहाँ ये माइनस है इसलिए। आगे इसमें तीसरा पद है 3 + 2√2, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 3√2 - 3, अब बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, -3 से +3 कट जाएगा, 3√2 - 2√2, 3 में से 2 गया 1√2, तीनों समान आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि किन्हीं दो पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी है। अब है तो सार्वंतर बताओ, सार्वंतर हमारा क्या निकल गया, वर्गमूल 2। अब इसके बाद कौन सा पद निकालेंगे, पांचवा, पांचवे पद के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, a+4d। a का मान हमारे पास क्या है, 3, 4 × डी का मान कितना है, वर्गमूल 2, तो 4 × √2 क्या बन जाएगा, 4√2। अब 3 के साथ में कोई वर्गमूल नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये जुड़ेंगे नहीं, गुणा नहीं होंगे। अब अगला पद निकाल देते हैं a6, क्या फार्मूला होगा, a+5d, a का मान है 3, 5 × √2 क्या बन जाएगा, 5√2। इसके बाद है सातवां पद a+6d, 3 + 6√2, 6√2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। इसके बाद आगे है सातवां पार्ट करेंगे, इसके बाद हम जो छठा पार्ट है ये एपी नहीं है, माइनस करेंगे तो अंतर समान नहीं आएगा, इसलिए वो एपी नहीं बनेगा, 0.2 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
अब इसके बाद ये सातवां पार्ट है, संख्याओं की सूची हमें दी गई है 0, -4, -8, -12, --, ये दी गई है। तो इसमें पहला पद क्या है, 0, a2 - a1 कर लेते हैं, -4 में से माइनस करेंगे 0, क्या आ जाएगा -4। a3 - a2 कर लेते हैं, -8 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे a2 का मान क्या है -4, तो ऐसे ब्रैकेट बन जाएगी, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -8 + 4 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। a4 - a3 -12 में से माइनस करेंगे -8, अब ये माइनस है तो ये माइनस प्लस और ये बन जाएगा -4। अब हम क्या देख रहे हैं, अंतर समान है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि किन्हीं दो पदों का अंतर समान है इसलिए यह सूची एपी है। तो इसका सातवां अंतर कितना निकाला है हमने, -4 निकल गया। अब इसके बाद हमें इसके अगले तीन पद और बताने हैं, तो अब अगला पद कौन सा होगा, a5, पांचवा पद, फार्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, a+4d। अब a का मान क्या है इसमें, 0, 4 × d का मान क्या है,
माइनस चार, प्लस माइनस माइनस, चार चौक 16, क्या आ जाएगा ये माइनस 16। इसके बाद हम निकालते हैं इसका छठा पद। छठे पद के लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस 5b, a का मान है 0, 5 इंटू डी का मान कितना था माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, 0 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस 20। अब इसके बाद अगला निकालते हैं हम सातवां पद, a प्लस, फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 6d, 0 प्लस 6 इंटू माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24, 0 माइनस 24 क्या आ जाएगा। तो ये हमने इसके आगे के तीन पद और बता दिए, क्लियर है। अगला है माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, ये दिया गया है। तो इसमें पहला पद क्या है माइनस एक बटा दो। देखो हर बार एक ही संख्या है जो अगला पद वही नंबर आ रहा है, सेम आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है। ए टू माइनस ए वन, ए टू है माइनस एक बटा दो, माइनस करेंगे ए वन, ए वन भी है माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, माइनस माइनस प्लस। अब एक प्लस एक माइनस हो तो क्या आ जाता है, जीरो कट जाएगा। माइनस एक बटे दो में से एक बटा दो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ऐसे ही ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है माइनस एक बटे दो, कुछ आया है, माइनस करेंगे ए टू, माइनस एक बटा दो। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब एक माइनस और एक प्लस घट जाएगा, घटने पर क्या आ जाएगा जीरो। ए फोर माइनस ए थ्री, माइनस एक बटा दो, ए थ्री भी माइनस एक बटा दो है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा, क्योंकि दो पदों में अंतर कैसा है, समान है, इसलिए यह सूची ए पी है। तो सार्वंतर बताओ, सार्वंतर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस जीरो होता है तो ये जो पद होते हैं हमेशा एक जैसे निकलते हैं, चाहे हम इसका एक हजारवां पद निकालें, चाहे हम लाखवां निकालें, चाहे हम दस लाखवां निकालें, हर बार क्या आएगा माइनस एक बटा दो। तो इसका मतलब है कि जो हम अब पांचवां, छठा, सातवां पद निकालेंगे वो क्या आएंगे, माइनस एक बटा दो आएगा। निकाल करके दिखा देते हैं पांचवां पद, फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 4d, ए का मान है माइनस एक बटा दो, चार इंटू डी का मान क्या आ गया जीरो, माइनस एक बटा दो, जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और ये आ जाएगा माइनस एक बटा दो। छठा पद ए प्लस 5d, माइनस एक बटा दो, पाँच इंटू जीरो, जीरो को पाँच से करेंगे तो जीरो, ये भी आ जाता है माइनस एक बटा दो। सातवां पद ए प्लस 6d, माइनस एक बटा दो, छः इंटू जीरो, माइनस एक बटा दो, छः जीरो जीरो, ये भी आ जाता है माइनस एक बटा दो। तो ये हमारे अगले तीन पद, हर बार वही आंसर आएगा माइनस एक बटा दो। ऐसा कब होता है, जब सार्वंतर हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। इसके बाद है नौवां दसवां पार्ट अपने आप से लिखोगे, ग्यारहवां पार्ट देखो। संख्याओं की सूची हमें दी गई है, ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर। ए टू माइनस ए वन, ए स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये समान पद नहीं है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ही माइनस होगा।
ए स्क्वायर में से ए वन माइनस नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है ए क्यूब और ए टू क्या है ए स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इनकी भी शक्तियाँ अलग अलग हैं, तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर माइनस ए क्यूब, ये भी ऐसे ही रहेंगे, इनकी भी शक्तियाँ अलग हैं तो ये भी माइनस नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये सभी एक जैसे हैं? नहीं, तो क्योंकि किन्हीं दो पदों में अंतर समान नहीं है इसलिए यह सूची ए पी नहीं है, और नहीं है तो हम इतना ही करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद है बारहवां पार्ट, वर्गमूल दो, वर्गमूल आठ, वर्गमूल अठारह, वर्गमूल बत्तीस, ये दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसके वर्गमूल को हल करेंगे। दो का वर्गमूल तो दो ही रहेगा, आठ का वर्गमूल, इसके गुणनखंड कर लो, ये जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक अंक बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होता है? दो वर्गमूल दो। अब 18 के टुकड़े करेंगे, तीन तिया नौ, नौ दूनी 18, ये जोड़ा बन गया, इसमें से तीन बाहर आ जाएगा और इसका जोड़ा नहीं बना ये अंदर रह जाएगा, तो इसका वर्गमूल हल करेंगे तो ये आ जाएगा तीन वर्गमूल दो। 32 के क्या बन जाएंगे? दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, एक जोड़ा ये बन गया, तो इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा, एक इसमें से आ गया एक इसमें से आ गया, ये अंदर रह गया, दो दूनी चार, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? चार वर्गमूल दो। ठीक है, तो जब ये वर्गमूल के अंदर दो बार थे, जोड़ा था, तो इसमें से हमने एक अंक बाहर निकाला था, जैसे ये जोड़ा था तो हमने इसमें से एक अंक निकाल दिया यहाँ पे, तो बाहर एक अंक आता है तो वो अंदर जाके कितनी बार होता है? वर्गमूल के अंदर जा करके दो बार होता है। तो इसमें पहला पद है हमारे पास वर्गमूल दो, ए टू माइनस ए वन, दो वर्गमूल दो माइनस वर्गमूल दो, दो वर्गमूल दो में से एक वर्गमूल दो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक वर्गमूल दो। ठीक है, इसके बाद ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है अब ना, हम ये देख रहे हैं तीन वर्गमूल दो माइनस दो वर्गमूल दो, अब तीन में से दो गया एक, एक वर्गमूल ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है चार वर्गमूल दो, माइनस करेंगे तीन वर्गमूल दो, चार में से तीन गया एक वर्गमूल दो, क्योंकि किन्हीं दो पदों में अंतर समान है इसलिए यह सूची ए पी है तो इसका सातवांतर क्या है? वर्गमूल दो। अब हम निकालते हैं इसका पांचवां, छठा और सातवां पद। पांचवां पद ए पाँच, क्या फार्मूला होगा? ए प्लस चार डी, ए का मान क्या था? वर्गमूल दो। चार इंटू डी क्या था? वर्गमूल दो। अब चार वर्गमूल दो, एक वर्गमूल दो, कितना हो जाएगा ये? पांच वर्गमूल। अब स्टेटमेंट हमारा इस फॉर्म में था, वर्गमूल से बाहर कोई अंक नहीं था, हमने बनाया था, तो हम आंसर को इसी फॉर्म में लेकर के आएंगे। अगर स्टेटमेंट इस फॉर्म में है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो देखो, वर्गमूल से बाहर कोई अंक नहीं है तो इसको हम वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर निकालेंगे, अगर पॉइंट में है तो आंसर पॉइंट में निकालेंगे, अगर पॉइंट में नहीं है, हमें अनुचित संख्या के अनुचित भिन्न के रूप में वैसे दिया गया है तो उस प्रकार से देंगे, सही बटे में स्टेटमेंट है तो सही बटे में आंसर निकालेंगे, स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में निकालेंगे। अब ये पाँच वर्गमूल के बाहर है तो अंदर जाकर ये कितनी बार होगा? दो बार, और ये दो है ही, अगर इसको हम अंदर ले आते हैं वर्गमूल के अंदर तो ये दो बार हो गया और ये दो हो गया, पाँच पंजे पच्चीस, पच्चीस दूनी पचास। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं छठा पद ए प्लस पाँच डी, ए का मान है वर्गमूल दो, पाँच इंटू वर्गमूल दो, पाँच वर्गमूल दो, पाँच वर्गमूल दो, एक वर्गमूल दो, अब ये छः अंदर जाएगा दो बार हो जाएगा, छः छः छत्तीस, छत्तीस दूनी बहत्तर। सातवां पद निकालते हैं ए प्लस छः डी, ए का मान है वर्गमूल दो, छः इंटू वर्गमूल दो, छः वर्गमूल दो, ये हो जाएगा सात वर्गमूल दो, सात जब अंदर जाएगा दो बार सातों सत्तर उनचास, उनचास
को 2 से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा वर्गमूल 98। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब एक ये अगला पार्ट हमें दे रखा है, ये दिया हुआ है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12। हल कर लेते हैं, 3 का वर्गमूल तो ऐसे ही रहेगा, 6 का भी नहीं निकल सकता क्योंकि टुकड़े होते हैं 2 3 6, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा ना 2 का ना 6 का, हम बाहर कुछ नहीं निकाल सकते। 9 का वर्गमूल निकल जाता है, 3 3 9 होता है, और 12 के टुकड़े क्या होंगे, 2 2 4 4 12, इसमें से ये अंक बाहर आ जाएगा। a2 - a1 वर्गमूल 6 - वर्गमूल 3। कई बच्चे क्या लिखते हैं इसको, वर्गमूल 6 - वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 लिख देते हैं, जबकि इसके आगे का जो ये अंक होता है यहाँ पर, ये माइनस होता है, और वो भी जब होता है जब समान पद हो, वर्गमूल की संख्या समान हो। अब देखो वर्गमूल की संख्या समान नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। a3 - a2 a3 है 3 a2 है वर्गमूल 6, इसमें से माइनस नहीं हो सकता है ये। a4 - a3 2 वर्गमूल 3 - 3, इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वर्गमूल है यहाँ वर्गमूल नहीं है। तो क्या दो पदों में अंतर समान है, नहीं है, तो यह है सूची AP नहीं। इसके बाद जो इसके लास्ट के दो पार्ट हैं वो अपने आप से निकालेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।